एंटिटी जब शुरू हुआ था तो कनेक्शंस के बेसिस पर शुरू हुआ था। आप सभी को याद होगा कि स्टार्टिंग के एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता आई थिंक द ओनली विलन इन द हाउस वॉज प्रतीक सहजपाल, क्योंकि सभी ने उन्हें रिजेक्ट किया था सिवाय अक्षरा सिंह के। लेकिन भाई पासे जो है वो पलट गए जिस वक्त प्रतीक ने अक्षरा का दिल तोड़कर नेहा भसीन का दिल जोड़ दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अक्षरा और प्रतीक को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ, फैंस ने बड़ी अपडेट की है और डिमांड की है। कौन सी है चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, मैं हूँ ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं तो जाकर कर सकते हैं @ज्योति नाहक7 पर। सबसे पहले तो जहां तक बात प्रतीक सहजपाल की आती है, जहां तक बात बिग बॉस ओटीटी की आती है, हम सबको बहुत विविडली और बहुत अच्छे से याद है कि प्रतीक स्टेज पर थे, शमिता आई, उन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया, फिर चाहे वो जितनी भी कंटेस्टेंट थी, मूज आई, उन्होंने भी रिजेक्ट किया, फिर उसके बाद उर्फी आई, उन्होंने भी रिजेक्ट किया, फिर उसके बाद एक एक करके जितने भी कंटेस्टेंट आए सभी ने कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्ट किया और बाकी के लोग सिलेक्ट होते चले गए। लेकिन ऐसे में एक ही थी अक्षरा सिंह जिन्होंने प्रतीक सहजपाल को चूज किया। अब उनकी दोस्ती, उनकी बॉन्डिंग जो है स्टार्टिंग में जनता को बड़ी पसंद आ रही थी, इसीलिए फैंस ने यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये तस्वीर जो है, जी हाँ, अक्षरा और प्रतीक की ये तस्वीर है बिग बॉस ओटीटी की, और इन दोनों के साथ फैंस ने डिमांड कर दी है कि हमें चाहिए प्रक्षरा का रीयूनियन। जी हाँ भाई, ये डिमांड पूरी होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर क्या रिएक्शन आ सकता है प्रतीक का, ये सोचने वाली बात है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर यहाँ रियूनियन की डिमांड हो गई है। आपको दिखा देती हूँ ये ट्वीट जो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है यू आर माइन एंड आई एम योर्स, प्रतीक सहजपाल एंड अक्षरा सिंह, वी वांट प्रक्षरा रियूनियन नाउ, प्रतीक फैम एंड प्रक्षरा फैंस एंड अक्षरियंस, ये सभी लोग चाहते हैं कि इन दोनों का मिलन हो जाए। आपको इस पर क्या है कहना, आप बताइए।